हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पर नहा वहा कर आ गई थी पूजा रूम में पूजा करने के लिए, तो थोड़ी सी साफ़ सफ़ाई कर लेती हूँ ताकि बासीपना निकल जाए। ऐसे तो झाड़ू पोछा डेली लग ही जाता है, लेकिन जो रैक है उस पर भी जैसे धूप वगैरह जलाती हूँ ना तो उसका कालापन उड़ता है, तो वो सारा रैक पर बैठ जाता है। तो इसीलिए हल्के से सूखे कपड़े से ही उसे झाड़ लेती हूँ। और यहाँ पर जो दिए में जो बत्ती वगैरह रहती है ना एक दिन पहले की, वो सारा हटाकर एक प्लास्टिक में रख लेती हूँ। उसके बाद सभी पूजा के बर्तनों को यहाँ पर लेकर आ जाती हूँ किचन में। और यहाँ पे पूजा का जो साबुन है, स्क्रॉच ब्राइट है, वो मैंने अलग रखा हुआ है। कभी कभी पीताम्बरी से वॉश करती हूँ और 2-3 दिन गैप करके फिर पीताम्बरी से ही वॉश करती हूँ, और ऐसे रेगुलर बेसिस पे मैं विम बार से ही वॉश करती हूँ। तो सारा कुछ अलग रखा हुआ है मैंने। तो आज मैं आपसे अपने पूजा की जो किस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, जो मेरा प्रोसेस रहता है डेली का, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि एक घंटा तो मुझे डेली लग ही जाता है पूजा पाठ करने में। यहाँ पर देखो फूल मैंने तोड़ लिए हैं। आज गुड़हल की एक ही फूल आई थी, ऐसे हमेशा 2 से 3 खिलती है लेकिन आज एक ही खिला हुआ था। तो यहाँ पे फूल भी मैंने तोड़ लिए हैं और छत से भी 2 से 2-3 फूल मैं तोड़ लाई थी, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ देखो प्लेटों में रखी हुई है ना कुछ पीले फूल, ये सारे छत के फूल हैं। तो जब थोड़े फूल इकट्ठे हो जाते हैं ना तो पूजा करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है। यहाँ पर अब सभी बर्तनों को वॉश कर लिया है मैंने, और यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी नहा धुला कर तैयार दिया है। ये थर्सडे का व्लॉग है इसलिए मैंने आज पीला पीला इनको वस्त्र पहनाया है और खुद भी पीला पहना है। और देखो कितने मतलब खुशकिस्मती मुझे आज पीले पीले फूल भी मिल गए। तो यहाँ पे पीले फूल मैंने इनको अर्पण कर दिए हैं, और सारी चीज़ें मैचिंग जब हो जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और थर्सडे को मैं दिन के हिसाब से मैं सोच कर पहनाती हूँ कि कब कौन किस कलर का मुझे ड्रेस पहनाना है। अब उसके बाद फूल वगैरह करने के बाद, सभी भगवान को तिलक करने के बाद, यहाँ पे अब मैं दिया जला लूँगी और धूप भी जला लूँगी। अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ क्योंकि कहते हैं ना अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए क्योंकि उसमें बाँस की लकड़ी होती है। तो बहुत दिनों से मैंने अगरबत्ती जलाना छोड़ ही दिया है, मैं धूप बत्ती ही करती हूँ। और यहाँ पर आपको लेफ़्ट हैंड से दिख रहा होगा क्योंकि शूट हो रहा है फ्रंट कैमरे से, इसी वजह से तो फ्रंट कैमरे में उल्टा दिखता है। यहाँ पे अब घंटी बजा कर मैं पूजा कर लेती हूँ, सभी घरों में दिखा देती हूँ। तुलसी मैया को भी जल दे दिया है, सूर्य देवता को भी जल दे दिया है। उसके बाद फिर से आ गई थी किचन में यहाँ पे कान्हा जी के लिए और भगवान जी के लिए, सभी भगवान जी के लिए भोग यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो 2 कटोरी में मैं हमेशा भोग रखती हूँ, तो आज मैंने फल में आम चढ़ाया है और यहाँ पर दूध मैंने हल्का गर्म कर लिया था। तो 1 कटोरी में कान्हा जी का है और 1 कटोरी में मैं यहाँ नीचे सभी भगवान जी के पास रखूंगी। तो जी पूजा वगैरह करने के बाद अब मेरा जो मेन टाइम जाता है, मैं थोड़ा यहाँ पे नाम जप करती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास रुद्राक्ष की माला है जो मैं वृंदावन से लेकर आई थी, तो इसी में ना 108 नाम जप कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी मुझे पाठ करना रहता है, कभी कभी जैसे हनुमान चालीसा हो गया या फिर गोपाल चालीसा हो गया, तो ये सारा मैं पढ़ लेती हूँ। इन्हीं सब चीज़ों में मुझे 1 घंटा लग जाता है। और ये सारी पाठ वगैरह करने के बाद लास्ट में मैं आरती कर लेती हूँ, और इसमें ना हवन सामग्री डाल के कपूर डालकर आरती करती हूँ। कपूर हमें डेली बेसिस पे जलाना चाहिए ताकि घर में एक तो पॉजिटिविटी बनी रहे, जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर से, हमारे घर के अंदर से चली जाए। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई है संपन्न। आप देख सकते हो कितना सुंदर सा वातावरण हो गया है, बहुत ही सुकून मिलता है। भले टाइम लगता है लेकिन सुकून बहुत मिलता है जिस दिन पूजा पाठ हो जाती है। तो फाइनली पूजा पाठ हो गया है संपन्न, और आज 1 घंटे से भी ज़्यादा 5 मिनट ऊपर लग गया। और देखो टीका कहाँ लगा है, 1 घंटे से ज़्यादा आज लग गया। मैं एग्जैक्ट 10 बजे नहा के निकली थी, 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे और अभी 11:05 हो रहे हैं, तो आई थिंक 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं। वो यही सब मतलब पूजा पाठ करने में, मुझे पाठ जो करती हूँ ना उसमें लगता है कि मेरे को आधा घंटा करीबन लग जाता है। मैंने तो छोटी सी क्लिप शूट की है ताकि आपसे शेयर कर सकूँ, लेकिन बहुत लंबा टाइम लग जाता है। और ऐसा नहीं कि सुबह में ही, शाम में भी करती हूँ, तो शाम की भी पूजा मेरी 1 घंटे में जाती है और सुबह की पूजा 1 घंटे में जाती है। हाँ, शाम की 45 मिनट आधे घंटे में हो जाती है क्योंकि शाम को उतनी सफाई नहीं करनी होती है, शाम को उतना लड्डू गोपाल को नहलाना, श्रृंगार करना, बर्तन धोना, ये सब नहीं करना पड़ता है। सुबह में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से इतना टाइम भी लग जाता है। और अभी बज गए हैं 11:12। और पूजा रूम में ना इसलिए मैं फ़ैन चला के, इस कमरे का फ़ैन चला देती हूँ, ये फ़ैन अभी इतना स्लो हो गया है ना, ये 5 नंबर पे चल रहा है, देख लो इतना स्लो चल रहा है, बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है। और पूजा रूम में ना बैठे बैठे ना मेरे बॉडी में इस जगह से पूरा पसीना टपक रहा था,
तो इसीलिए इधर का फ़ैन चला देती हूँ कि थोड़ी हवा आए, लेकिन नहीं आती हवा बिल्कुल भी। और अंदर तो वेंटिलेटर जो विंडो दिया गया है पूजा रूम का, तो वो बस रोशनी के लिए दिया गया है, उसमें से वो खुलता नहीं है, तो और वहाँ पे गैस बन जाता है धूप और दिए की वजह से, तो बस यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। और टाइम देखो 11:12, तो अभी 11:10 तक वो दिख रहे होंगे। तो फाइनली मेरा सारा काम वाम हो गया है, अब जा रही हूँ बनाना शेक पी लूँगी पहले, क्योंकि फ्रिज में रख दिया था मैंने, थोड़ा सा भी नॉर्मल होने के लिए रखा है बाहर। और ये वाला फ़ैन ना स्पीड चलता है, अभी बहुत राहत मिलती है, इसीलिए उस कमरे में ज़्यादा भी बैठ भी नहीं पाती। तो पाठ करते करते ना गला भी बहुत ज़्यादा सूखता है, और गर्मी भी इतनी लग, पसीना अंदर से टपके जा रहा था, बाप रे बाप इतना गर्मी है ना, अभी क्या ही बोलूँ, मतलब हालत ख़राब करने वाली गर्मी है। और जब तक मैं पाठ करती हूँ ना, उतने देर में यहाँ पे तुलसी मैया के पास जो धूप बत्ती जलाती हूँ वो पूरा ख़त्म भी हो जाता है, सोच लो इतना बड़ा सा जलाती हूँ और वो जलते 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 पूरा ख़त्म हो जाता है, तब जाके मैं उठती हूँ फिर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज फूल भी मेरी एक ही खिली थी, ऐसे 2-3 करके डेली खिल रही है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और जाके अपना बनाना शेक इंजॉय कर लेती हूँ फिर, क्योंकि मुझे नाश्ता भी करना है, चीला भी बनाना है, तो इसीलिए फिर ज़्यादा लेट करूँगी तो फिर पता चला खाने का टाइम हो गया। और यहाँ पे देखो मैंने अपना शेक निकाल के रखा हुआ है, देखो कितना यम्मी दिख रहा है यार, पूरा चॉकलेट वाला चॉकलेट बनाना शेक। इस तरीके से आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करो। अभी यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि शेक वगैरह पी लिया था, तो मैंने आधे घंटे बाद ही मैं आई थी किचन में कि अब चलो अपने लिए चीला बना लेती हूँ गरम गरम, क्योंकि हस्बैंड को तो मैंने सुबह ही नाश्ता करके दे दिया था, वो चले गए थे अपना खाकर, तो फिर अपने लिए मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि चीला वगैरह ना गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो और मैं वैसे भी चीले वगैरह जब भी बनाती हूँ या पराठे भी बनाती हूँ तो मुझे चाय चाहिए ही होती है, हालाँकि मैंने एक बार चाय पी लिया है सुबह, लेकिन चाय की आदत है आपको तो पता ही है, चाहे सुबह हो या शाम हो, और जब ये सारे नाश्ते होते हैं तो फिर चाय मेरा एक बार एक्स्ट्रा बन जाता है। अब एक साइड मेरी चाय बन रही है, दूसरी साइड मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा लिया है, और चीले के बैटर को एक बार अच्छे से हाथों से मतलब फेंट लूँगी, क्योंकि वो रखे रखे गाढ़ा भी हो जाता है ना। और ये वाली रेसिपी मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर की है, आप प्लीज़ जाके ज़रूर से देख लेना। मैंने ये बेसन का चीला बनाया है, बहुत ही हाई प्रोटीन चीला है, और यहाँ पर देखो मेरी चाय बन रही है, यहाँ पर मेरा चीला भी बन रहा है। तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने अगर ट्राई किया होगा तो। मैं लेकर आ गई हूँ अपना नाश्ता, और यहाँ पे मेरा चीला हो गया है रेडी। तो मैंने ना चीले के साथ चाय बना लिया है, हस्बैंड को दही के साथ सर्व किया था, मुझे चाय के साथ अच्छी लगती है, तो फाइनली अब मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ कि कैसा बना है, क्योंकि सुबह तो मैंने हल्का भी टेस्ट नहीं किया था, नमक वगैरह कुछ भी नहीं देखा था कि कैसा क्या है। तो चलो फाइनली मैं आपको खा कर इसका टेस्ट बताती हूँ, और ताकि आप भी ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। जस्ट यम, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे लग रहा था ना कि सोयाबीन को जो मैंने क्रश करके डाला है कहीं वो मुंह में मतलब ज़्यादा पता ना चले, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। और अगर सिर्फ अगर बेसन का आप बनाओगे तो वो ना थोड़ा सा मतलब ड्राई ड्राई टाइप लगता है, जैसा कि मुझे लगता है, और इसीलिए इसमें भी सारे वेजीज वगैरह ऐड हैं सोयाबीन की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा यम लग रहा है, सीरियसली यार। आप इसमें तो चाहे और भी अपने पसंद की वेजीज ऐड कर सकते हो, जैसे गाजर वगैरह, तो गाजर मेरे पास नहीं था अवेलेबल, तो जितना डाला मैंने इनफ था, मेरा बैटर बच भी गया है, क्योंकि ये 2 में ही इतना हैवी हो जा रहा है ना कि आपका पेट बिल्कुल भर जाएगा। अभी मैंने एक लिया है और एक अब मेरा बन रहा है अभी तवे पे ही है, तो ये इसलिए मैंने अपना गरम गरम बनाया है, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। गर्मा गर्म खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बादाम की चटनी, जैसे मूंगफली की चटनी बोलते हैं, चने की दाल की चटनी,
और भी चीज़ों के साथ आप धनिया पत्ता की चटनी इन सब चीज़ों के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हस्बैंड को मैंने दही के साथ दिया था, उनको दही के साथ चाहिए था, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। आप किसी के साथ भी खा सकते हो, मेरा तो सबसे फेवरेट है चाय। देखो ये वाली रेसिपी मिस मत करना आप, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और जब भी बनाओगे एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। देखो ये दूसरा बन रहा है, बस दो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा वरना फिर लंच नहीं कर पाऊँगी। तो चलो मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो जी ये टाइम है शायद 4:30 का, आज दोपहर में मैं सोई नहीं थी और लंच वगैरह करने के बाद फिर आज मैं फ्री थी, तो अचानक से ना मुझे कूलर का जो ये प्लेट्स बना हुआ है ना इस पर मुझे पूरा कालापन सा दिख रहा था। हालांकि डेली बेसिस पे मैं पोछती ही हूँ, आपको पता ही है मेरे सारे चीज़ों पर डस्टिंग मैं करती हूँ, लेकिन अंदर जैसे पंखे से जो हवा आ रही है ना उसके वजह से बहुत कालापन सा नीचे की तरफ भी बैठ गया था। तो मैंने फाइनली कॉलिन का डब्बा निकाला और अच्छे से पूरा इसे साफ़ किया, और साइड की जो जाली ना वो हस्बैंड ने साफ़ कर दिया था, तो पूरी सफाई मुझे नहीं करनी थी, बस इसके जो ये पतले पतले प्लेट्स बने हुए हैं ना इसे मुझे नीचे की तरफ से भी साफ़ करना था, ऊपर की तरफ से भी साफ़ करना था। तो फाइनली मैंने इसे भी साफ़ कर दिया, और इसी बीच में हस्बैंड भी आ गए थे घर पे, तो उन्होंने कहा कि तुम फ्री रहो तो बस अपना कुछ ना कुछ काम ढूंढी लो, और आप देख सकते हो कितना कालापन निकला है। तो एक एक चीज़ें जब एकदम डीपली क्लीन हो जाती है ना वो मुझे बहुत ही फिर सेटिस्फेक्शन देती है। तो फाइनली कूलर वगैरह को मैंने कर लिया है क्लीन, और इस व्लॉग को अब करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ।